कबड्डी कबड्डी तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ी हाथापाई जरूर हुई थी जॉन राइट हमारे कोच थे और आ, इंडिया श्रीलंका का मैच था वाल पे तो हम लोगों को केवल 190 या 200 चेज करने थे तो उससे पहले मैं तीन चार इनिंग में आउट हो गया था मतलब लप्पा मार के अगर मतलब गावसकर मेरे कप्तान होते तो मैं शायद खेलता ही ना <laughs> तो मैं इतनी बार हवा में मार के आउट हुआ तो जॉन राइट आए कि दो सौ रन बनानेटी ओवर स्कोर योर ऑन फिफ्टी आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू तो मैं तब इतनी अंग्रेजी समझता नहीं था तो मुझे लगा लूज मैंने कहा मैं कहाँ जा रहा हूँ <laughs> मतलब मुझे ही नहीं पता था कि वो कहना चाह रहा है कि तू रन नहीं बनाएगा तो तू टीम से बाहर हो जाएगा <laughs> तो मैंने कहा मैं थोड़ी ना लूज हूँ इंग्लैंड में कहाँ लूज होगा मेरे दिमाग में मुझे बट फिर भी उसने मुझे समझा के भेजा बट जाके मैंने वही किया जो मैं करता हूँ तो मैंने लप्पा मारा मैं आउट हो गया बीस तीस रन पर वापस आया तो उसने मुझे ड्रेसिंग रूम में पकड़ के से गले से हिलाकर मेरी सीट पर धक्का दे दिया तो मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं शुक्ला जी के पास गया मैंने कहा सर मैं वापस जा रहा हूँ तो ये घबरा क्या 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 हुआ क्या बेटा बता तो दे हुआ क्या मैंने कहा जी उसने मुझे मारा है गोरे ने वो गोरा कैसे मार सकता है हम हिंदुस्तानी को गोरा इतने सालों ने राज किया राज भी हम पे राज करे <laughs> तो वो सौरभ जी के पास गए सौरभ अंगली बात उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है गलत है ये तो सहभाग के साथ गलत हुआ है तो तुम जाके बात करो फिर अमृत जी सब इकट्ठे हो गए तो वो जॉन राइटिंग को समझाने लगा कि नहीं नहीं मैंने मारा नहीं मैंने जस्ट पुश किया बिकॉज आई वॉन्ट वीरू टू स्कोर रन एंड ऑल दैट तो वो गुस्सा था तो मैं माना नहीं तो मेरे साथ मैनेजर शुक्ला जी थे पावरफुल आदमी थे क्योंकि बी सी के जो मैनेजर आता है उनके हाथ में बहुत पावर होती है किसी का भी कुछ भी कैरियर खराब कर सकते हैं वो तो शोर था <laughs> चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो स्पोर्ट्स का हो ये इतनी पावर उनके पास थी तो खासकर टूर पे तो वो शुक्ला जी ने बोला कि नहीं 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 बेटा पैचअप कर लो मैंने कहा जी नहीं मैं पैचअप नहीं करूँगा अनटिल जॉन राइट मेरे कमरे में आके सॉरी ना बोले तो शुक्ला जी ने मेक श्योर किया कि वो आए मेरे कमरे में और मुझे सॉरी बोले और तब जाके मैंने उन्हें माफ़ किया वहीं से ओवल से हम सीधा गए लमली कासल हमारा अगला शायद मैच वहाँ पे था वहाँ पर टीम मीटिंग हुई तो टीम मीटिंग में सबसे पहले सचिन ने हाथ खड़ा करके कहा कि जो भी वीरू और जॉन राइट के साथ पिछले मैच में हुआ वो यही रहना चाहिए कोई इसकी बात नहीं करे और ये बात बाहर नहीं जाए और ये एक्चुअली ऐसा ही रहा कैन यू इमेजिन आज की तारीख में अगर कोच और मैनेजर के बीच में ऐसा हो जाए तो इट विल बी सनसनी इट विल बी लाइक पोखरन इट विल बी बी ऑन ट्विटर इन इट विल यू नो तो वो शायद टाइम ता, अलग था और ये बात चुप ही रही बट आई थिंक थोड़े दिन पहले शायद जॉन राइट ने इसके बारे में कुछ जिक्र किया फिर आई थिंक एक बार आपने कोई टेलीविजन कमेंट्री में भी लक्ष्मण ने आपसे सवाल पूछा तो आपने उसका पूरा जवाब दिया बट रिटायरमेंट के बाद तो मैं बोल सकता था खेलते हुए नहीं बोल सकता क्योंकि अगर मैं खेलते हुए बोलता तो शायद उस समय उस समय का मैनेजर नाराज हो जाता अच्छा तो मेरा अर्ली अच्छा। एग्जिट हो जाता